आई होप आप लोग सब अपने घर में होंगे, सबकी तबीयत अच्छी होगी, सब अच्छे से होंगे और लॉकडाउन इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज और कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास. सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, आई एम सुरुचि शाह एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ममाज मैजिक. तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हम इन दिनों महाराष्ट्रियन रेसिपीज बना रहे हैं और आप लोग सब मेरे साथ मेरी किचन में हैं. तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई महाराष्ट्रियन रेसिपी लेके आई हूँ और शेयर करने वाली हूँ, एंड उसका नाम है थाली पीट. ओके, सो ये थाली पीट गुजरात में भी बनता है और गुजरात में भी अगेन फेमस है, बट महाराष्ट्रियन इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. और थाली पीट एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ आटा, मतलब फ्लोर लेके बनता है. उसमें गेहूं का आटा भी डलता है, बेसन अगेन डलता है, चना दाल आटा, वैरायटी ऑफ दाल्स उसके अंदर डाली जाती है उसको एक हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए. और बहुत सारे लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि आजकल सब जगह सब कुछ बनने लग गया है, तो आप सब्जी यहाँ भी डिफरेंट डाल सकते हैं. लाइक उसके अंदर आप कांदा काट के, सॉरी प्याज काट के डाल सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और जो अपना लौकी है वो सब कस के डाल सकते हैं, कैबेज कैरेट ये सब करके डाल सकते हैं. ओके, सो गुजराती जो है वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो थोड़ी सी सब्जियां काट के उसमें डालते हैं, बट महाराष्ट्रियन इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ओके, एंड इसमें कौन कौन से आटे मैं लेने वाली हूँ, वो लोग क्या लेते हैं वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. अगेन थैंक यू वेरी मच जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने अभी नया लेटेस्ट उसको सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज अभी के अभी उसको नीचे वो रेड कलर का बटन है उसको जस्ट एक बार आपको दबाना है, उसको बार नहीं दबाना है, क्योंकि एक बार दबाया तो वो सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसको दोबारा प्रेस किया तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. ओके, सो प्लीज उसको बस एक बार दबा दीजिए, सो आप मेरे चैनल पे मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और वो जो नीचे बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट हम लोग उसको शुरू करते हैं. हमें क्या क्या यहाँ पे चाहिए. अच्छा, वेरी फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि थाली पीट में डिफरेंट डिफरेंट आटा मतलब लेके उसको बनाया जाता है. यू कैन पुट गेहूं का आटा तो हम लेते ही हैं, उसके साथ हम ज्वारी बाजरा थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हैं, साथ में हम दालें जो हैं चने की दाल उड़द की दाल मूंग की दाल ये सब लेके डाल सकते हैं. और यहाँ पे उसको मार्केट में रेडी भी मिल जाता है महाराष्ट्र में भाजनी के नाम से. ओके, वही भाजनी का आटा बहुत सारे लोग चकली में भी यूज़ करते हैं. इट्स अगेन अ ड्राई स्नैक ऑफ महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में चकली करके एक ड्राई स्नैक मिलता है, वो भी उस भाजनी से बनता है, वो भी वेराइटी ऑफ आटा मिला के. ओके, सो ट्रेडिशनल महाराष्ट्र में तो जब ट्रेडिशनल लोग इसको बनाते तो इसलिए बनाते थे, लाइक जो बाहर काम पे जा रहे हैं उसके लिए हेल्दी एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट मील हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारे आटे डाल दिए, प्लस हमारी दालों का पाउडर भी हमने डाला है, मसाले डाल दिए, तो वो एक फुल मतलब पेट भरने वाला मील हो जाता था. ओके, लेकिन मैं यहाँ पे जो बनाने वाली हूँ, आज मैं लेने वाली हूँ इसमें गेहूं का आटा, ज्वारी का आटा एंड बेसन का आटा. बेसन इज लाइक चने दाल का आटा. ओके, जैसा मैंने बताया उसके रेशियो, अगर आप सारे आटे ले रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप दो कप अगर इस तरीके से रेशियो रख सकते हैं, दो कप ज्वारी का आटा सॉरी गेहूं का आटा लिया है तो उसमें एक एक कप, क्योंकि गेहूं का आटा क्या उसको बाइंडिंग दे देता है, वो बेलने में प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं आती है. बाकी आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा एक कप ज्वारी मिला लीजिए, एक कप बाजरा मिला लीजिए, एक कप अपना नाचनी मिला लीजिए उसको और हेल्दी बनाना है तो. ओके, एंड फिर दालों में आप उसमें थोड़ी सी चना दाल डाल सकते हैं, थोड़ा सा लाइक हाफ हाफ कप उड़द दाल डाल सकते हैं, ये सब मिला के उसको रोस्ट किया जाता है पहले, अगर आपको मार्केट से आटा नहीं लाना है और ये ऐसे प्रॉपर वाला एक आटा बनाना है तो. ये सब आटे लेके सॉरी पल्सेस लेके एंड लेंटिल्स लेके अपना जो भी सीड्स हैं, वीट सीड्स नहीं क्या बोलेंगे, गेहूँ चावल डिसॉल, उसको लेके उनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं. साथ में ही आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा एंड थोड़ा सा साबुत धनिया, उन सबको मिला के आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर उसको पिसवा के आप रेडी करके रख सकते हैं. उस आटे को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं लाइक अराउंड 25 to 30 days, महीना भर तक उसके बाद. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैंने रेडी आटे लिए हैं, मैंने गेहूँ का आटा लिया है, ज्वारी का आटा लिया है और मैं थोड़ा सा चना दाल का आटा मतलब बेसन मिलाने वाली हूँ. सो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे बनाने वाले हैं. ओके, सो जैसा मैंने बताया, मैंने लिया है यहाँ पे अराउंड 2 cups अपना गेहूं का आटा. ओके, इसके साथ मैं मिला रही हूँ यहाँ पे रेडी मेरे पास ज्वारी का आटा था तो वो मैं 1 cup वो मिला रही हूँ, और मैं मिला रही हूँ इसमें 1 cup ही बेसन. तो मैंने रेशियो ऐसे लिया है 2:1:1. ओके,
मैंने यहाँ पे तीन, आप चाहें तो चावल का आटा भी मेरे पास है थोड़ा सा मिला सकते हैं अगर आप उसको कुरकुरा जैसा थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, बट मैं वैसा नहीं बना रही हूँ इसलिए। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी, अभी मैं साथ में थोड़ा सा आपको मसाले बता रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी सौंफ करीब एक चम्मच और थोड़ा सा अजवाइन, जो यहाँ पे ओवा बोला जाता है अजवाइन को, वो डालूंगी। ठीक है, और अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग इसमें सब्जियाँ डाल देते हैं, बेसिकली ये प्याज इसमें अच्छा डाला जाता है, जो यहाँ पे महाराष्ट्रियन बनाते हैं वो इसमें प्याज डाल के बनाते हैं और वो उससे बहुत टेस्टी लगता है। तो लेकिन मैंने क्या किया है, मैं प्याज तो क्वांटिटी में अच्छा लेने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे अराउंड दो बड़े प्याज बारीक चॉप करके रखे हैं, सो हम यहाँ पे ये चॉप्ड प्याज लेंगे। ओके, मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन है, अराउंड 8 से 10 मेरे लहसुन की कलियाँ हैं और मैंने 5-6 हरी मिर्च ली है, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करने वाली, बट आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको साबुत धनिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे पास रेडी भाजनी आटा नहीं ले रही हूँ, मैं इस अपना मिक्स आटे ही खुद मिला रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जीरा और साबुत धनिया को इस लहसुन और मिर्ची के साथ पीस लूँगी और फिर वो हम डालने वाले। साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल, मुझे लगा कि थोड़ा है तो डाल दे, बच्चे खाएंगे, तो मैंने मेथी को चॉप करके रखा है, ये भी अराउंड 1/2 कप है। और साथ में मैं इसको वैरायटी ऑफ सब्जियों के साथ बना रही हूँ, जैसे मैंने बोला अदरवाइज महाराष्ट्रियन तो प्याज ही डालते हैं और थोड़ा सा अगर है तो लौकी डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे अराउंड इतना सा, मतलब लाइक 1/2 मेरा लौकी था उसको ग्रेट करके रखा है, वो मैं डालने वाली हूँ। ओके, और साथ में धनिया, वो तो मुझे बहुत, वैसे तो धनिया दिखने वाला नहीं है मेथी के साथ, लेकिन मुझे धनिया बहुत पसंद है, उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी आया तो ठीक है, इसलिए मैं ले रही हूँ। तो अभी मैं पहले मिक्सर में लहसुन मिर्ची और ये जो मैंने बोला धनिया एंड जीरा है, आप चाहिए, अगर आपको चाहिए कि धनिया और जीरा हमें ऐसे नहीं डालने, तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर। तो मैं अभी इसको पहले मिक्सर में पेस्ट बना के फिर मैं डालूंगी, तो जस्ट मैं पेस्ट बना लेती हूँ। सो मेरा ये पेस्ट पिसके रेडी हो गया है, और ये ना एक्चुअली मैंने साबुत इसलिए किया है, मतलब फ्रेश इसलिए लिया है धनिया, तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो ये मेरा पेस्ट डल गया इसके अंदर, अभी जैसे मैंने बताया मैं इसमें धनिया भी डालने वाली हूँ। ओके, और मेथी ना। अब इसके अंदर मसालों में हम ऑलरेडी धनिया जीरा डाल चुके हैं, मिर्ची हम अच्छी सी हरी मिर्ची मैं ले चुकी हूँ, तो अभी मैं सिर्फ इसमें हल्की सी 1/2 चम्मच करीब हल्दी डालूंगी, मेरी छोटी चम्मच है इसलिए मैं भर के डाल रही हूँ, आप अपनी स्पून आप कौन सी यूज़ करते हैं। ओके, एंड साथ में मैं डालूंगी नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तो गाइस वैसे भी थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल खाती हूँ पिज़्ज़ा, तो मेरे नमक पे मत जाइएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो मैंने लौकी। अच्छा, अब है ना जो आटा है इसका, आटा इसका कैसा लगेगा, हमें रोटी जैसा कड़क आटा नहीं, मतलब रोटी सॉरी पराठों जैसा आटा नहीं लगाना है, रोटी जैसा भी, जैसे रोटी का हम थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाते हैं, बट उससे भी थोड़ा सॉफ्ट ही आटा लगेगा इसका। और अनटिल अनलेस हमारा इसका पानी हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे, ऐसा नहीं कि आप पहले ही बहुत सारा पानी डाल दें, क्योंकि ये सब चीज़ें पानी छोड़ती ही है, प्याज आटे में जाके पानी छोड़ेगा नमक के साथ मिलके, एंड लौकी ऑलरेडी हमारा पानी छोड़ ही चुकी है। ठीक है, तो आपको पानी थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाना है, बट पानी देख के डालिएगा, अदरवाइज ये बाद में बहुत ढीला हो जाएगा, आपसे बनेगा भी नहीं। हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। अगर शाम सुबह के टाइम पे नाश्ते में भी अगर आप ये बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया आप वो भाजनी का आटा रेडी करवा के रख सकते हैं, खराब नहीं होता वो, इंस्टेंट बन जाता है फटाफट से, आपके पास आटा रेडी है, आपने उसके अंदर एक प्याज काटा, हरी मिर्ची डाला, नमक डाला एंड रेडी। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो एंड डिनर में भी, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीट सब कुछ आ गया, लाइक सब्जियाँ भी आ गई है, बच्चों को खिलाना चाहते हैं, किसी दिन ऐसा है कि आप पूरा मील नहीं बनाना चाहते, दाल रोटी सब्जी राइस एंड दिस ऑल, तो आप ऐसा कुछ ये बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे आटे जा रहे हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें बहुत मतलब सारा प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जितने भी सब मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मिला के दिखाती हूँ आपको, जैसा मैंने बताया हमें रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा बनाना लगाना है, देखिए फ्रेंड्स ये अभी मेरा ड्राई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ओके, और ये बाद में भी बनाते बनाते भी पानी छोड़ देगा, जो लोग लौकी के या प्याज के पराठे बनाते हैं उन्हें ये बात पता होगी, वो ढीला हो ही जाता है। ठीक है, सो ये मेरा आटा लग के रेडी हो गया है,
ओके अब हम इसको बेलेंगे और मैं आपको सेक के बताती हूँ कैसे बनता है। अच्छा अब ये दो तरीके से बेल सकता है, आप चाहें तो इसको सिंपल पराठे के जैसे बेल सकते हैं ओके, और नहीं तो यहाँ महाराष्ट्र में तो इसका ऐसे जस्ट क्योंकि ढीला होता है ऐसे एक लोई ली जाती है और इसको तवे पे रख के मैं आपको बताऊंगी वो कैसे हाथ से ऐसे किया जाता है। आप चाहें तो इसको चकले पे भी हाथ से करके प्लास्टिक से करके, उनके बहुत सारे वेज हैं लाइक दे यूज टू एक कॉटन का क्लोथ लेते हैं गीला करके उसको बिछा के उसके ऊपर हाथ से करके एंड देन इसे सेका जाता है। तो आई विल शो यू डेट वन ऑल्सो, सिंपल बेलन से भी मैं करके दिखाती हूँ आपको, और नहीं तो आप डायरेक्ट अगर ढीला आटा हो जाता है आपका तो आप इसको डायरेक्ट तवे पे भी हाथ से पानी लेके कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ हम इसको बेलने वाले हैं। सी मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है मेरे पास था जिसमें मैं जनरली पनीर बनाती हूँ या हंग कट करती हूँ, उसको हम ऐसे लगाएंगे और उस पर हमने हमारा ये लिया ओके ऐसे रखेंगे हम, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, गीला हाथ करेंगे और इसको हम ऐसे बेलेंगे। सो लाइक दिस ये बेल गया है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें बीच में ना या तो आप एक, मैं तो एक ही करती हूँ जनरली, वहाँ वो लोग ना काफ़ी बड़ा बनाते हैं तो उसमें दो तीन छेद कर देते हैं। अब ये छेद किस लिए किया जाता है, जस्ट कि जब हम इसको सेकेंगे तो अंदर तक अच्छी सिकाई हो जाए। तो अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, एक मिनट मैं आपको मेरा तवा दिखाती हूँ। हाँ वो वी आर गोइंग टू छोड़ देना है सी। सो ये इस तरीके से आ गया तवे पे, मैंने ऑलरेडी ऐसे ही हम दूसरा बना रहे हैं ओके। लेट मी शो यू द अनदर मेथड। अगर आपको ये टफ लग रहा है, हम इसको थोड़ा थोड़ा सा एंड कम गैस पे थोड़ा सेकेंगे ओके, थोड़ा अच्छा सिकाई हो जाएगा। अच्छा अब ये आपको टफ लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू, एक प्लास्टिक लीजिए अच्छे से। जनरली मैं फ्रेंड्स मक्का की रोटी ऐसे ही बनाती हूँ बिकॉज मुझे मक्का की रोटी हाथ से बनानी नहीं आती है, मेरी पड़ती ही नहीं है ओके। सो आपको अगर ये टफ लग रहा है तो यू कैन डू दिस, आप ऐसे एक छोटा सा बॉल लीजिए लेके उसमें आपको थोड़ा सा आटा लगा है, प्लास्टिक पे बेल सकते हैं आप इसको ओके लाइक दिस, एंड ये फिर नॉर्मल जो बेलन से हम करते हैं वैसे बन जाएगा और ये चिपकेगा नहीं। प्लास्टिक पे बेलने का हमारा इंटेंशन जो है क्योंकि ये चकले पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये चिपकता है, चिपक के हम उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको प्लास्टिक पे जब करेंगे सी तो ये बिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा और फिर आप इसको इसी तरीके से जैसे हमने कपड़े पे से डाला वैसे हम प्लास्टिक पे से डाल सकते हैं। तो वट एवर मैथड आपको इजी लगे ऐसे हम इसको बना सकते हैं। लेट मी टर्न दिस फर्स्ट, सिक रहा है अभी ओके, ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट सिक गया है। मैंने इसको अच्छे से तेल लगा के दोनों साइड कम गैस पे ही सेका है ओके। अभी मैं आपको दूसरा वाला जो हमने प्लास्टिक पे बनाया था वो डाल के दिखाती हूँ आप इसको डायरेक्ट, ये तो हाथ में ऐसे आ जाएगा, हम इसको फिर डाल सकते हैं ओके। हम इसको भी इसी तरीके से कम गैस पे सेक लेंगे। तो हमारा ये दूसरा भी सिक गया, देखिए कितना अच्छा सिका है ओके। सो अभी हम इसके प्लेटिंग करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ जनरली यहाँ पे बाहर आप खाएंगे तो क्या मिलता है, इसके साथ ना वॉट दे यूज टू गिव वो लोग दही देते हैं एंड इसको रायता कह सकते हैं, यस रायता वी कैन से। इस रायते में वो लोग डालते हैं यहाँ पे सिका हुआ पीनट, तो आप ये जो अपना मूंगफली है उसको सेक लीजिए, थोड़ा सा चर्न कर लीजिए ओके। सो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पीनट, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, जीरा, सिका जीरा पाउडर और थोड़ा सा चेंज के लिए मैं नमक नहीं डाल रही बिकॉज मैंने काला नमक डाला है, चाट मसाले में भी नमक होता है। थोड़ा सा वो जो रायता होता है ना वो पीनट का एक्चुअली रायता होता है, आप चाहिए तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, वो अच्छा लगता है वो लोग डालते हैं बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं, एंड थोड़ा सा पिसी हुई शक्कर ओके। तो वो जो रायता होता है वो थोड़ा सा मीठा भी होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर ओके। सो दिस इज हाउ इट गोस, इस तरीके से दिया जाता है। आई होप आपको मेरी थाली पीठ की रेसिपी पसंद आई होगी, मेरे दोनों वे मैंने जिस तरीके से बनाया आपको वो भी समझ में आया होगा, आप ऐसे बना सकते हैं। मैंने इसके साथ ये रायता बनाया है जो यहाँ पे मिलता है, लहसुन और मिर्ची वाली चटनी है
ओके सो प्लीज आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, घर वालों को ये पसंद आया या नहीं। सो जल्दी ही मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, टिल देन आप लोग प्लीज घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर, लव लव।